हाँ, तो ये रही मेरे भाई लोग आज की दूसरी वीडियो। आज मैं आप लोगों को वाव एंटरटेनमेंट की एक नीलामी करके सीरीज आई है उसका रिव्यू करके देने वाला हूँ। इसका पार्ट वन मैंने देखकर कंप्लीट किया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या ये आपके लायक है या फिर नहीं, और सीरीज कितना मजा देती है। तो चलिए हम लोग फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट, उसके बाद फिर अच्छे से बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। देखो, यहाँ पे मैं दो चीज़ के लिए इस सीरीज का रिव्यू लेकर आया हूँ। सबसे पहला तो इस सीरीज की स्टोरी जो कि मुझे पसंद आई, और इस सीरीज की जो एक्ट्रेस हैं अलीना सेन, उनके लिए। क्यों? क्योंकि भाई आप काफ़ी ज़्यादा अलीना सेन की सीरीज़ को देखना पसंद करते हो। उनकी सीरीज़ें बहुत कम रिलीज़ होती है, लेकिन इस बार ये हम लोगों को वाव एंटरटेनमेंट के ऐप पर देखने को मिली। तो इनकी सीरीज़ कैसी है चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी स्टार्टिंग ही कह दे रहा हूँ, मैं सीरीज़ को मैं एकदम ओवर द टॉप नहीं कहूँगा कि भाई क्या भयंकर सीरीज थी। बस सीरीज के रिव्यू लाने का मकसद ही है अलीना सेन। क्यों? क्योंकि भाई अलीना सेन आपकी जैसी फेवरेट है वैसी मेरी भी है। अगर आप लोग इस सीरीज को अलीना सेन के लिए देखते हो तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को निराश नहीं करेंगी। बहुत ज्यादा इनके सीन इस सीरीज में तो नहीं है, लेकिन इतने हैं कि आप लोगों को मजा मिल जाएगा। और गाइस, इस सीरीज में आप लोगों को पूजा पोदार भी देखने को मिलती है। इनका भी सीरीज में काम बढ़िया है। यहाँ पे अलीना सेन की मुझे एक्टिंग पसंद आई। जितनी भी मैंने इनकी सीरीजें देखी हैं किसी में एक्टिंग उनकी खास नहीं है, लेकिन इस सीरीज में इनकी एक्टिंग बढ़िया थी, और जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया है एज अ बहू वो भी काफी अच्छा था। सीरीज को फ्राइडे के दिन रिलीज कर दी गई थी वाव एंटरटेनमेंट के ऐप पर। और गाइज, इस पार्ट वन में आप लोगों को 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 19 से लेकर 22 मिनट के बीच आप लोगों को करके दिखाई जा रही है। बात रही यहाँ पे सीरीज की स्टोरी की, तो सीरीज की स्टोरी में आप लोगों को एक गांव देखने को मिलेगा जहाँ पे मर्द शादी करने के लिए लड़कियों को खरीदते हैं। भाई ये गांव का चलन एकदम ही अटपटा है। ऑक्शन लगता है, जो सबसे ऊंची बोली लगाता है लड़की उसी से शादी करती है। और तो और, इस गाँव में औरतों को जरा भी इज्जत नहीं दी जाती है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, और औरतों को इस गांव में बच्चा जनने की मशीन कहा जाता है। अब यहां पे फंस गई है पूजा पोदार और अलीना सेन। अब इन दोनों का क्या होता है ये जानने के लिए आप लोगों को सीरीज को देखना होगा। सीरीज की स्टोरी अच्छी है, अगर आप लोग देखोगे तो निराश नहीं करेगी। मुझे इसकी स्टोरी पसंद आई, और गुरु सीरीज भी मुझे अच्छी ही लगी। और अगर आप लोग अलीना सेन के फैन हो तो सीरीज देखने के लिए चले जाना। बहुत दिन के बाद ये एक्ट्रेस हम लोगों को किसी सीरीज में नजर आई है। काम इनका बढ़िया है, बस सीन के मामले में ज्यादा उम्मीद लेकर मत जाना। थोड़ी उम्मीद रखना, सीरीज आप लोगों को मजा देकर जरूर जाएगी। तो बस गाइस, ये था वो छोटा सा रिव्यू जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के साथ मैं चलता हूं।